तो क्या हालचाल है दोस्तों। जैसा कि लेयरिंग एक की ट्रेंड है फैशन इंडस्ट्री के अंदर, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे विंटर्स में लेयरिंग करने की सोच रहे हैं तो उससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता अगर आप यहाँ पे ओवरशर्ट परचेस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक ओवरशर्ट आपको काफ़ी अच्छी लेयरिंग देती है। अगर आप उसे टी शर्ट के साथ या फिर यहाँ पे स्वेटर्स के साथ या फिर हैनली के साथ आप लेयरिंग करते हैं तो ओवरशर्ट आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देती है। साथ ही साथ लाइटवेट होती है ओवरशर्ट, जो कि आपको वार्म के साथ साथ एक लाइटवेट फील भी कराती है, तो आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है एक ओवरशर्ट। लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग मिस्टेक ये कर देते हैं कि कोई भी ओवरशर्ट परचेस कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय अ ओवरशर्ट। और आपके वार्डरोब में ज़रूर एक ओवरशर्ट होनी चाहिए अगर आप विंटर्स में थोड़ी स्टाइलिश दिखना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ओवरशर्ट ढूंढ रहे हैं और आप अपनी सर्च को आसान बनाना चाहते हैं तो मैंने कुछ टॉपिक्स ओवरशर्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि इस चैनल के अंदर मैं अक्सर मेंस लाइफस्टाइल एंड क्लोथिंग से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली मिस्टेक है किसी भी ओवरशर्ट को परचेस करने से पहले जो काफी लोग करते हैं कि वो मटेरियल को नहीं चेक करते बिफोर परचेसिंग एन ओवरशर्ट। अगर आप यहाँ पे ओवरशर्ट परचेस कर रहे हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपकी ओवरशर्ट किस चीज से बनी है, कौन से मटेरियल से बनी है, आपको वो वार्म दे सकती है नहीं विंटर्स के अंदर। लाइक अगर आप वूल या फिर फैनल ओवरशर्ट के लिए जाते हैं तो आपको काफी अच्छा वार्म मिलता है, लेकिन वहीं अगर आप कॉटन ओवरशर्ट के लिए जाएंगे तो आपको वार्म नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे विंटर के लिए ओवरशर्ट लेने की सोच रहे हैं वूल या फिर फैनल ओवरशर्ट के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉटन के लिए भी जाते हैं तो कॉटन ट्वेल के लिए जाएं, जो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे हल्का फुल्का वार्म देगी। जैसा कि दोस्तों ओवरशर्ट या फिर जैकेट आपको डिफरेंट टाइप्स की देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो बेसिकली आपको एक लेयरिंग का काम करती है और आपको काफी अच्छा यहाँ पे इनहेंस लुक देती है जब भी आप ओवरशर्ट को कैरी करते हैं। वही जो नेक्स्ट मिस्टेक है कि अगर आपकी फिटिंग कंफर्टेबल या फिर फ्लैटरिंग फिटिंग नहीं है ओवरशर्ट की तो ओवरशर्ट आप पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ओवरशर्ट की जो फिटिंग है वो रूमी इनफ होनी चाहिए जो कि आपको अलाउ करे लेयरिंग के लिए, बट बहुत ज़्यादा बैगी भी नहीं होनी चाहिए। इतना रूम होना चाहिए कि जिसमें आप लेयरिंग आसानी से कर पाए, लेकिन ज़्यादा बैगी होगी तो उससे फिर ओवरशर्ट का पूरा लुक खराब हो जाता है। आप जब भी ओवरशर्ट को कैरी करें तो शोल्डर्स की तरफ अपने चेस्ट और स्लीव्स में देखें कि किस टाइप की फिटिंग आ रही है। अगर वो ओवरशर्ट बहुत अच्छे से बैठ रही है आपके शोल्डर्स पे, चेस्ट पे और स्लीव्स पे तो आपको उस ओवरशर्ट के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके शोल्डर्स पे वो ज़्यादा रूमी है या फिर चेस्ट के अराउंड ज़्यादा रूमी है, ज़्यादा स्पेस है या फिर स्लीव्स उसके ज़्यादा बड़े हैं तो आपको उस ओवरशर्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। भले ही आप अंदर स्वेटर्स कैरी करें या कुछ भी कैरी करें वो ज़्यादा बैगी हो जाती है, इससे जो आपकी ओवरशर्ट है ओवर साइज ओवरशर्ट लगती है। इसलिए जब भी आप ओवरशर्ट के लिए जाएं तो फिटिंग वाइज ओवरशर्ट आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी रूमी इनफ बट नॉट टू बैगी। जैसे कि दोस्तों ओवरशर्ट जैकेट एंड शर्ट का एक कॉम्बिनेशन है जिसे जैकेट भी कहा जाता है, बट अगर यहाँ पे ओवरशर्ट लेने की सोच रहे हैं तो ओवरशर्ट लेते वक्त आपको हमेशा बटन डाउन ओवरशर्ट के लिए जाना चाहिए। वैसे तो आपको बहुत सारी ओवरशर्ट डिफरेंट कैटेगरीज की देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको बटन डाउन, जिप अप एंड पुल ओवर्स टाइप की ओवरशर्ट देखने को मिलेगी, लेकिन आपको हमेशा यहाँ पे जाना है बटन डाउन ओवरशर्ट के लिए, जो कि आपको एक काफ़ी ऑथेंटिक लुक देती है और आपको बहुत ही क्लासिक यहाँ पे फील देती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं जिप अप ओवरशर्ट के लिए या पुल ओवर ओवरशर्ट के लिए तो ये ज़्यादा स्टाइलिश हो जाता है, लेकिन अगर आप एक क्लासी लुक चाहते हैं ओवरशर्ट में तो आपको हमेशा जाना चाहिए बटन डाउन ओवरशर्ट के लिए, विच विल गिव यू द रियल फील ऑफ एन ओवरशर्ट। जब भी आप कोई क्लोथ परचेस करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आप किस कलर के क्लोथ परचेस कर रहे हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पे ओवरशर्ट परचेस करते हैं तो आपको जरूर ये ध्यान देना है कि किस टाइप के कलर्स को आप चूज कर रहे हैं। आपको वाइब्रेंट कलर ज़्यादा चूज नहीं करने हैं जब भी आप ओवरशर्ट के लिए जाते हैं। अगर आपको क्लासी दिखना है, आपको यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखना है तो आपको ऐसे शेड्स को परचेस करना है जो कि वर्सेटाइल हैं। लाइक आप ग्रे शेड्स को परचेस कर सकते हैं, खाकी शेड्स को परचेस कर सकते हैं, ऑलिव ग्रीन शेड्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आपकी एज यहाँ पे बिलो 25 है तो आप किसी भी शेड के लिए जा सकते हैं, वाइब्रेंट कलर के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर 25 से अबव हैं तो आपको हमेशा यहाँ पे क्लासिक दिखने की कोशिश करनी है।
आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे टीनेज टाइप के कलर्स को चूज नहीं करना है। सॉलिड कलर्स हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा आपको एक मैच्योर फील देते हैं, रेदर देन अगर आप मल्टी कलर या फिर वाइब्रेंट कलर के लिए जाते हैं। सॉलिड कलर किसी भी ओवर शर्ट में आपको एक क्लासिक वाइब देते हैं, लेकिन वहीं अगर आप ओवर शर्ट के अंदर मल्टी कलर यूज करते हैं या फिर बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर यूज करते हैं तो वो आपको एक इमेच्योर लुक देते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस लुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वही दोस्तों, बहुत से लोगों का यहाँ पे डार्क कम्प्लेक्शन होता है और डार्क कम्प्लेक्शन वैसे तो काफी अभी ट्रेंड में है और आपको काफी स्टाइलिश दिखाता है, लेकिन अगर आपका डार्क कम्प्लेक्शन है और आप यहाँ पे ओवर शर्ट चूज करने की सोच रहे हैं तो आपको न्यूट्रल टोन्स के लिए जाना चाहिए, लाइक अर्थ टोन, लाइक ऑलिव ग्रीन, खाकी। ये जो टोन्स हैं, ये जो शेड्स हैं, ये आप पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ आप वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी आप पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ही आप बर्गंडी कलर को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी डार्क कम्प्लेक्शन वाले लोगों पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। वैसे तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपको अपने लुक को ज़्यादा इनहेंस करना है तो कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो किसी भी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं, तो आप इन कलर्स के लिए जा सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लाइक आपको यहाँ पे प्रिंट्स बहुत ज़्यादा नहीं कैरी करने चाहिए किसी भी ओवर शर्ट में। प्रिंटेड ओवर शर्ट्स आपको मैच्योर नहीं दिखाती, क्लासिक नहीं दिखाती, थोड़ा सा इमेच्योर लुक देती है। वही दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ओवर शर्ट परचेस करने की सोच रहे हैं और आपकी हाइट यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है बिफोर परचेजिंग एन ओवर शर्ट। जब भी आप ओवर शर्ट परचेस करने जाएं तो आप जरूर ये ध्यान देना कि आपको ओवर साइज ओवर शर्ट को परचेज नहीं करना है। ओवर शर्ट की एंडिंग आपके हिप से बिलो नहीं होनी चाहिए, आपके हिप से अबव भी होनी चाहिए, ताकि आपका जो फ्रेम है वो शॉर्टर ना लगे और आपकी जो हाइट है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का। अदरवाइज लुक वाइज आप और ज़्यादा शॉर्ट लगेंगे अगर आपका फ्रेम ज़्यादा शॉर्टर हो जाता है। वहीं जो दूसरी चीज़ है जिसे आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इफ़ यू आर अ शॉर्टर गाय, आपको अपनी स्लीव्स को ज़रूर ध्यान देना है जब भी आप ओवर शर्ट परचेस करें कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो ओवर शर्ट है वो ज़्यादा लॉन्ग है स्लीव्स में तो आपके जो आर्म्स हैं वो शॉर्टर दिखते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का जो प्रोपोर्शन है मिसमैच हो जाता है और आपकी जो ओवर शर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखती है। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट हाइटेड पर्सन है तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। अदरवाइज आप टेलर करा सकते हैं अपनी ओवर शर्ट को अगर आपके स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा है ओवर शर्ट में। वहीं जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट हाइटेड पर्सन है तो आपको हमेशा स्लिम फिट ओवर शर्ट के लिए जाना चाहिए। वैसे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा स्लिम फिट ओवर शर्ट के लिए ही जाना चाहिए, जो कि आपके लुक को इनहेंस करती है, जो कि आपके ओवर शर्ट को एक मोर डिफाइंड एंड फ्लैटरिंग लुक देती है और आपकी ओवर शर्ट आपकी बॉडी पे काफ़ी डिफाइन लगती है, जिससे आपकी जो हाइट है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वही दोस्तों, आप एक और काम कर सकते हैं अगर आपकी हाइट यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट है, आपको मोनोक्रोमेटिक कलर्स को चूज़ करना चाहिए अगर आप ओवर शर्ट कैरी कर रहे हैं तो। लाइक आप अगर डार्क ओवर शर्ट कैरी कर रहे हैं तो आप डार्क जीन्स कैरी कर सकते हैं, जिससे एक इल्यूजन इफेक्ट क्रिएट होता है, हाइट अच्छी खासी लगती है। बेसिकली दोस्तों, आप ओवर शर्ट किसी भी जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट हाइटेड पर्सन है तो आपको स्लिम फिट या रेगुलर फिट के लिए ही जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बैगी जीन्स के लिए जाते हैं तो उससे आपकी जो अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा शॉर्ट लगती है। जैसा कि दोस्तों, ओवर शर्ट एक कैजुअल वियर है, तो अगर आप ओवर शर्ट यहाँ पे कैरी कर रहे हैं तो आपको फुटवेयर भी उसी टाइप का पहनना चाहिए। तो आपको कैजुअल वियर ही कैरी करने चाहिए फुटवेयर में, लाइक स्नीकर्स, बूट्स, आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एसेसरीज भी कैरी करनी चाहिए अगर आप ओवर शर्ट कैरी कर रहे हैं, जो आपके लुक को काफी ज्यादा एनहांस करती है। लाइक आपको वॉच एक जरूर पहननी चाहिए, लेकिन आपको डिजिटल वॉच नहीं कैरी करनी है, आपको करनी है एनालॉग वॉच, जो कि आपके लुक को काफी ज्यादा एनहांस कर देगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स बिफोर परचेजिंग एन ओवर शर्ट, आपको इन चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे अपने टॉप पिक्स ओवर शर्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसपे मैंने आपको बताया कि आपको ओवर शर्ट परचेस करने से पहले किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करना ना भूलना। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।